तो यार आपने पिछले एपिसोड में देखा कि मैं सिंचन चॉप का प्लान था घूमने जाने का, बट चॉप अपने दोस्तों के घर से हमारे घर आ रहा था तो बीच रास्ते में उसको तीन लोगों ने मारा और बहुत मारा और किडनैप भी कर लिया। उसके बाद चॉप बेहोश हो गया। उसके बाद उन तीनों ने अपनी गाड़ी में उसको रखा और ले गए, बट उसका इंतजार हम अभी तक कर रहे थे, लेकिन पता चला चॉप और बाकी कुत्तों को किडनैप कर रखा था कि लॉस सैंटोस में कुत्ता पकड़ने वाला गैंग घूम रहा था, फिर हमें पता चला। उसके बाद हमने टीम बनाई और अपने दोस्तों को सबको भेज दिया चॉप को ढूंढने के लिए। कैप्टन अमेरिका को चॉप मिल गया, उसने हमें फ़ोन कर रहा था, उतने में विलेन ने उन तीनों को मारा, लेकिन सिंचन उनसे लड़ता रहा, लेकिन सिंचन को भी लास्ट में बहुत मारा। अब देखते हैं मैं उनको बचा पाता हूँ कि नहीं। तो गाइस अभी मुझे कैप्टन अमेरिका का फ़ोन आया, उसने इतना बोला कि बचाओ फ्रैंकलिन, उतने में फ़ोन कट गया। तो मैं सोच रहा भाई इसको क्या प्रॉब्लम आई कि इसने फ़ोन तुरंत काट दिया। तो यार उसको फ़ोन भी लगा रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, जो मेरी गाड़ी लेके गया ना वो रेड वाली, फटाफट उसको ट्रैक करते हैं और उसके पास चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या पता सिंचन वगैरह कोई मुसीबत में पड़ गए हों, क्या आलो। अरे ठीक कह रहा से यार, जल्दी से फटाक से चल यार, मेरे तो लग रहा था कि बहुत दिक्कत हो गई से आगे। सही कह रहा है, अबे बैठने तो देता, मैं इतना आगे क्यों जा रहा है फ्रैंकलिन। हल्क यार जल्दी बैठ यार, हम लेट हो रहे हैं फटाफट। अरे बैठ रहा हूँ ना, अब चला जितना तेज चलाना है तेरे को। अरे ठीक से यार, तुम दोनों लड़ो ना रे, रुक जा आराम से चला फ्रैंकलिन। यार इतना ज्यादा चलाएगा तो उनसे पहले तो हम लोग उड़ जाएंगे हवा मेरे। तो यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम में फंस गए होंगे, कैप्टन अमेरिका बस बोलता हेल्प सिंचन, उतने में फोन कट गया। मुझे लग रहा था भाई उनकी किसी से लड़ाई हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। इन लोग को तो मैंने मार दिया है, ये बच्चा लेकिन बहुत ताकतवर था, इन दोनों से इन बच्चे को तो मैंने बहुत मारा। एक काम करता हूँ, तीनों को उठाता हूँ और बॉस के पास लेके जाता हूँ कि बॉस को भी बताना पड़ जाए कि बॉस ये तीन यहाँ जासूसी कर रहे थे। तो फटाफट चलता हूँ, बॉस को बताता हूँ, अरे ये तीनों कितने भारी हैं, ये बच्चा तो तभी हल्का है, ये ऊपर नीले वाला तो कितना भारी है। फटाफट जाता हूँ यार, लेकिन ये तीनों को क्या प्लान था, लेकिन ये लास्ट वाला फ़ोन कर रहा था किसी को, क्या पता कोई आ जाए। एक काम करता हूँ, फटाफट बॉस को बोलता हूँ कि यहाँ से अड्डा बदलना पड़ेगा बॉस, यहाँ कोई पुलिस वगैरह लेके आ जाएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। अरे इधर से कैसे जाऊँगा यार, उधर से जाना पड़ेगा मेरे को। अरे बॉस, बॉस भी नहीं सुनते हैं, कोई हेल्प करने आओ यार, तीन दिन को कैसे उठाऊंगा। अरे बॉस भी नहीं सुन रहे यार, फटाफट जाना पड़ेगा। अरे क्या करूँ यार, ये तीनों का क्या मकसद था, ये छोटा बच्चा क्या ही करेगा हमारा। लेकिन यार ये छोटे बच्चे ने बहुत देर तक लड़ाई की मेरे से। बॉस बॉस कहाँ हो बॉस? अरे यार बोलो ना क्या हुआ। अरे बॉस मैं क्या बताऊँ, ये तीनों वहाँ जासूसी कर रहे थे। अरे यार इनको भी कुत्तों के साथ बंद कर दो, तभी इन लोग को पता चलेगा कि आखिर में ये लोग तो कुत्ते ही हैं। लगता है बॉस ये किसी को ढूंढने आए थे, लगता है इनमें से कोई कुत्ता इनका भी है। अरे कोई बात नहीं, इनको भी बंद कर दो, इनको भी हम लोग बेच देंगे जब यहाँ से जाएंगे तो। अरे बाबा तू किसको लिया रे? अरे लगता है ये तीनों जासूसी कर रहे थे, इनको मैं उठा के ले आया। एक काम कर, इसको मैं अंदर डाल देता हूँ। अरे डालना डालना, जल्दी डाल दे इनको अंदर। चलो यार इनको तो मैंने डाल दिया है। अरे चुप, तू भी यहीं पे है, मतलब तू यार, तेरे को इन लोगों ने किडनैप किया था। अरे हाँ यार, इन लोगों ने मेरे को किडनैप करके बहुत मारा। अरे यार, अरे तुम बाहर निकालो मेरे को, वरना तुम्हें बहुत बताऊंगा। अभी मैं इस जाल से बाहर आ गया ना, तुम्हें बहुत मारूंगा। लगता है तुझको ये नहीं पता है जालों में करंट है, तू बाहर आके तो देख, तेरे को इतना बोल्ट का झटका लगेगा तू तुरंत मर जाएगा। अरे यार मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कैप्टन अमेरिका भैया और आयरन मैन भैया। अरे तू टेंशन ना ले यार, पक्का देखियो हमें कोई ना कोई बचाने आएगा। बच्चा छोटे से बच्चे, तू बैठा रहे, हम लोग को डांस करने दे। तू हार गया है, हम जीत गए हैं। अरे यार ऐसे कोई जीतता हारता नहीं है, देखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट में कर दो कि चॉप हेल्प और हेल्प कैप्टन अमेरिका हेल्प सिंचन, फटाक से लिख दो यार, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इससे कुछ नहीं होगा, फ्रैंकलिन यहाँ पे नहीं आ सकता। अरे आएगा आएगा, गाइस आप लोग कमेंट कर दो। अरे कौन बोल रहा है कमेंट करने के लिए, अभी उसको बताता हूँ। अरे तुम लोग शांत देखो ना, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अभी कोई बचाने आएगा इनको, लगता है यहाँ कोई आएगा कभी, बताओ इतने वीरान जगह में। अरे यार ये तो पूरे लॉस सैंटोस से दूर है, कोई तो यहाँ पे आ सकता नहीं यार, ये लोग बहुत ज्यादा अकड़ रहे हैं। अरे बॉस एक बात तो बताना भूल गया, लास्ट में इसी ने किसी को फोन किया था। एक काम करो, दूसरा अड्डा ढूंढ के आओ, यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे। अरे हाँ सही बोला, अभी तो मैं राशन लेने जा रहा था, चलो लेकिन पहले मैं अड्डा ढूंढ लेता हूँ। अरे कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, आखिर में ये बच्चे भी तो बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं, और वो यार उसके साथ जो नीला आदमी है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है, और जो वो लोहे वाला आदमी है वो भी बहुत खतरनाक है। इन लोगों को हमें मार के पटाक से यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा अपना अड्डा। वैसे यहाँ आसपास कौन सा घर दिख रहा है? अरे यार कैसे गाड़ी चला रहा हूँ आराम से, और बच गया यार। चलो अरे ये कौन सा घर है, यहाँ कोई रहता होगा तो उसको भगा दूंगा अभी लात मार के। अरे कोई है, अरे कोई है क्या? लगता है ये घर खाली है, वाह मजा आ गया, घर तो खाली पहले से ही है। यहाँ पे सारा कचरा साफ करके हम इन कुत्तों को अंदर रख लेंगे। आखिर में ये जगह है भी तो बहुत बढ़िया, और लॉस सैंटोस से भी काफी ज्यादा दूर है, और वो वैसे भी किसी को फोन करके बुला लिया है, तो उसके आने से पहले ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। वाह वाह, और लॉस सैंटोस की पुलिस भी काफी ज्यादा खतरनाक। अरे भाई साहब किसी से पूछ ले यार, फ्रैंकलिन यार की ढुंचुकपुर का रास्ता किधर है? अरे भाई साहब ढुंचुकपुर का रास्ता का नहीं पता, ढुंचुकपुर का रास्ता नहीं, हम लेकिन सुना है पीछे से ढुंचुकपुर नहीं कोई पुर तो है।
चलो गाइस यार इसको पता नहीं लेकिन शायद इधर ही है, और फटाफट हमारी गाड़ी आसपास में खड़ा है यार, हल क्या करे भाई। अरे यार फटाफट चला बस और जल्दी जल्दी चलते हैं। अरे कैसे चला रहा है फ्रैंकलिन, हल गिर जाएगा रे, दिक्कत हो जाएगी पीछे। हाँ यार गिर गया तो मेरा सर फूट जाएगा और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यार। तो यार अभी तो गाड़ी का लोकेशन आसपास का दिखा रहा है, तुम देखते रहना भाई गाड़ी आसपास में दिखे तो देख लेना। अरे तू किधर देख रहा है यार, तूने ठोक दिया किसी ने भाई साहब, सॉरी। कोई बात नहीं। अरे यार कैसे चला रहे थे फ्रैंकलिन, अगर उस आदमी को लग गई होती तो यार बड़ी दिक्कत हो जाती भाई। कोई बात नहीं यार, मैं टेंशन में मैंने ठोक दिया, कोई बात नहीं सॉरी भाई साहब। वैसे यार गाड़ी का लोकेशन आसपास में दिखा रहा है यार, देखो गाड़ी दिख रही है तुम्हें। अरे मन्ने तो, अरे वो देख दिख गई तेरी लाल गाड़ी, वो देख वो रही खड़ी। अरे वो रही भाई गाड़ी दिख गई, रुको रुको। अरे हाँ हाँ भाई हमारी आंखें हैं हल्क भाई, हमने रोक ली यार, हमें इसलिए रोकी है। तो गाइस यार हमारी गाड़ी यहाँ पे है तो सिंचन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन कहाँ पे है भाई? मन्ने तो बहुत गड़बड़ लग रही से यार, देख गाड़ी भी बिल्कुल खाली है, शीशे भी खुले से। अरे जल्दी चलिए यार आसपास, एक तो घर ऊपर से टावर के पास, एक तो घर इधर से। अबे रुक रुक रुक, वहाँ कुछ दिख रहा है भाई, जल्दी जल्दी उस घर के पास चलते हैं भाई। अरे फिर के देर किस लगाना हल्क भाई, रेडी हो जा भाई। आज तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, और हल्क का दिमाग तो सटक गया आज तो। गाइस यार अभी तो बिल्कुल आराम आराम से चलना पड़ेगा, गेट आराम से खोलते हैं पहले। ओए आराम आराम से ना, चिल्लाना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना? अरे ना ना मैं ना चिल्लाऊं, हल्क भी मेरे साथ ही से है, वो ना चिल्लाओगा रे। ठीक है लेकिन मुझे कुछ उल्टा लगा ना सीधे मुंह पे मारूंगा। अरे ना ना हल्क ऐसा ना करियो रे, आराम से चलेंगे, पहले तो देख यार कैसी जगह सही हो। अरे यार यहाँ पे लगता तो नहीं यहाँ कोई रहता होगा भाई, दो चार मुर्गी है मतलब कोई रहता होगा। ओए रुक, वेट 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 भाई, कोई है, वही कैप्टन अमेरिका सिंचन है भाई यहाँ पे। हो अरे यार फ्रैंकी भी आएंगे तो दिखना हमें बचा लेंगे। यहाँ लगता नहीं है कोई आएगा, तेरा फ्रैंकी भैया जब से रो रहा है, तुझे अभी अंदर आ गया तो बहुत मारूंगा, छोटे बच्चे चुपचाप बैठा रहे। काश फ्रैंकी भैया आती तो मुझे कोई ना कोई तो बचा ले। अरे आलोक उधर मजा, कुछ रुक जाओ अभी उधर मजा भाई, इधर क्या कह रहे हैं उधर। अरे फ्रैंकी भैया फ्रैंकी भैया। तो गाइस यार सिंचन तो काफी ज्यादा मुसीबत में है, उसको फटाक से बचाना पड़ेगा यार, उसको किडनैप कर रखा है। और चॉप भी मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई उनका पार्टनर नहीं है, मतलब वहाँ पे दो या तीन पार्टनर्स हैं। फटाफट जाता हूँ और फटाक से मारता हूँ, हल्क हेल्प करियो मेरी फटाक से। अरे यार तू तो अकेले संभाल लेगा। हाँ हाँ अबे ये ले टकले। अरे ये क्या हो रहा है, अबे ये ले यार, तुमने चिंचन को मारा था ना। अरे पिंकी भी आएगी, पिंकी भी आएगी। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन तुम आ गए, ये ले टकले, तू उठ जा अभी। हल्क फटाक से इस चालों को तोड़ता है, रुको जल्दी जल्दी तोड़ भाई हल्के जाले को यार, फटाक से जिंचन को बाहर निकाल और सबको बाहर निकाल। अभी रुक, एक थप्पड़ मारता हूँ, एक मुक्का मारता हूँ, तुरंत जाला टूट जाएगा, एक दो तीन तुम। अरे भाई यार इन्हें तो जाला तोड़ के पूरे हवा में ही फेंक दिया। थैंक यू। अरे थैंक यू हमें लोगों को भी बचाने के लिए। अरे हाँ यार हम लोगों को बचाने के लिए थैंक यू। तो गाइस यार हम लोग ने चौपर सिंचन को बचा लिया, तो चलो आप किस चीज का वेट करना, चलो घर चलते हैं। अरे थैंक यू यार। नहीं यार इनका एक और साथी है जो कि बहुत इनका बॉस जो है वो अभी रह रहा है। थैंक यू सिंचन, हम लोग जा रहे हैं, आपने हम लोग को बचा लिया, फटाफट हम लोग जंगल में जाके भाग के आते हैं। अरे भाग जाते हैं जल्दी, आओ मेरे पार्टनर। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कैसे आजाद हो गए? अरे यहाँ से तो नहीं जा सकते, गेट कहाँ है? अरे गेट तो उधर है। अरे जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो, हमें मार देगा कोई दूसरा आदमी आके यार, चल जल्दी चलो यार। थैंक यू यार। अरे यार अब बोल, अब मुझे मार के दिखा मेरे फैंकी भैया के सामने। छोरी यार छोरी, अब तो किसी कुत्ते को नहीं मारूंगा मैं यार, माफ कर दो मेरे को यार प्लीज। अरे नहीं नहीं अभी तेरा जो तीसरा पार्टनर है वो कहाँ पे? वाह यार अभी तो मैंने घर का ताला भी तोड़ दिया है, अब जाता हूँ फटाक से उन लोगों को लेके आता हूँ, आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। वाह वाह, अरे यहाँ पे एक और कुत्ता, इसको भी पकड़ता हूँ। अरे वाह यार मेरे पीछे क्यों पड़ रखे हो मेरे को, अभी तो मैं छूट के आया हूँ तुम्हारे आजादी से। अरे यार जा तू जा, ऐस कर जिंदगी अपनी। अरे यार इसको छोड़ देता हूँ, जाता हूँ फटाक से अपने घर के पास। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे, लग रहा है उन कुत्तों उत्तों ने। पिंकी भी अब क्या करना है ये तो बताओ। अब एक काम करते हैं, तुम तीनों चारों यहीं पे रहो, मैं हल्क और आलोक ना इधर जाके छुप जाते हैं, वो उधर से आएगा ना, जब वो देखेगा कि सारे कुत्ते भाग गए हैं तुम सब आजाद हो, अपने आप शौक हो जाएगा, फिर उसको मारेंगे हम इधर से आके। अरे ठीक से रे। अरे हल्क इधर भी आ जा भाई, इधर उधर ना जा रहे तू, तेरा शरीर बड़ा सा है। अरे यार अभी तो मैं घर पे आ गया हूँ, लग रहा है थोड़ा कुछ ठीक नहीं है। अरे चंगू पंगू। अरे बॉस बताओ यहाँ पे भाग जाओ, क्या कर रही हो, भाग जाओ यहाँ से बॉस। अरे क्या कह रही हो, अरे क्या हुआ, अरे कुत्ते आजाद आ गया ना, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब तू यहाँ से जा सकता तो भाग जाओ वरना तू कंधा वाला मार खाएगा। अरे यार ये तुम कौन हो, यहाँ से जाओ यहाँ। अरे जाल कहाँ गया, सारे कुत्ते कहाँ गए चंगू पंगू?
लगता है बॉस अब आपकी घड़ी आ गई है, अब आप पिटने वाले हो। अरे यार अब मुझसे रुका नहीं जाएगा, कहाँ गया ये, यही है ना हरा वाला। अरे हाँ यही है ये हरा वाला जोकर। ये ले मेरी लात खा के तू उठेगा नहीं। अरे उठेगा नहीं, ये दोनों के दोनों खाओ। अब तू भी खा, तू क्यों बैठा है, ये ले। अरे यार लगता है ये तो बहुत दिन मर रहा है बहुत, हम तो मर जाएंगे। अरे यार सिंचन तुम बचा लो हमको। अरे हाल तू रुक जा भाई, अब मैं इनको बताता हूँ। यार तू रुक जा, तू मारेगा तो ये लोग मर जाएंगे। अबे यार तूने मेरे सिंचन को मारा, चॉप को मारा और कैप्टन अमेरिका को मारा तूने, है ये ले और किसी को तुम तंग नहीं करोगे। गाइज छोड़ दो यार, इन लोगों को वैसे भी बहुत चोट लग गई होगी, ये लोग बेहोश हो गए हैं, अब इनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो गाइस यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो। हाँ गाइस फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और यार कमेंट कर दो हीरो फ्रैंकलिन। तो गाइस यार किसी भी एनिमल को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनिमल बहुत स्वीट होते हैं, तुमको तंग करोगे तो तुम्हें जरूर काटेगी। तो एनिमल को तंग नहीं करना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो फटाफट।